जलियांवाला बाग अमृतसर। ये है गाइस वो गली, यहाँ से गुजर के माइकल जनर और डायर अपनी सेना के साथ एंटर हुए थे, जो कि रीनोवेट कर दी गई है और 2.5 साल बाद जलियांवाले बाग को फिर से रीओपन किया गया है। 2.5 साल बाद पहले 2.5 साल पहले अगर ये स्ट्रीट देखी जाए तो पूरी पुरानी स्ट्रीट थी, जैसे पहले थी 100 साल पहले। अब ये स्ट्रीट को रिनोवेट कर दिया है, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। हाँ तो गाइज़, ये वीडियो आज जलियांवाले बाग को समर्पित की जाती है, जिसको कि रिनोवेट किया गया है। और यहाँ पर हमें अपने आइडल्स के आइडियोलॉजीज कोट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा दृश्य पेश करते हैं जलियांवाले बाग में। जलियांवाले बाग को रिनोवेट किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर न्यूली लगाई गई हैं और इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया गया है। बट गोलियों के निशान यहाँ पर आपको जो देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एग्जैक्ट सेम गोलियों के निशान हैं जहाँ की लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, यहाँ से इस दीवार को जंप करने की कोशिश की थी। और गोलियों के निशान आप देख ही सकते हो कि कैसे सैनिकों ने गोलियाँ यहाँ पर बरसाई थी और काफ़ी लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे। यहाँ मेरे पीछे आप गोलियों के निशान भी देख सकते हो, जो कि एग्जैक्टली सेम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी हमें गोलियों के निशान मिल जाते हैं और यहाँ भी लोगों ने भागने की कोशिश की थी। शहीदी कुआं दिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है जलियांवाले बाग की। कुछ लोगों ने भाग के इस कुएं में जंप कर दिया था, यहाँ छलांगे लगा दी थी बचने के लिए, और यहाँ भी काफ़ी लोग शहीद हुए थे। इस कुएं को शहीद कुआं भी बोला जाता है, जो कि आज के ज़माने में इसको रिनोवेट कर दिया गया है, शीशे लगा दिए गए हैं, अब इसको प्रॉपरली देख भी नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ हैं इस जलियांवाले बाग के रिनोवेशन से। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी हमें मिल जाती हैं, गैलरीज जो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर काफ़ी हिस्ट्री हमें देखने के लिए मिलती है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग लैंग्वेजेस में या फिर विजुअल तरीके से। अगर आप यहाँ पर आते हो तो काफ़ी सीख के जाने वाले हैं, और काफ़ी आपके बच्चे जो हैं अभी स्कूल्स में कॉलेजेस में हैं आते हैं, तो इसको काफ़ी यहाँ पर अपनी हिस्ट्री के बारे में उनको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है और काफ़ी कुछ जानने के लिए यहाँ पर मिलता है ड्यूरिंग द 1919 और ड्यूरिंग द 1947 बिफोर 1947। यहाँ पर सब विजुअल तरीके से, या फिर जो पोस्टर्स थे पुराने, अखबारें थे या फिर नॉवल्स थे, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और काफ़ी समय लगा के, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स लगा के यहाँ पर इसको रिनोवेट किया गया। देखिए यहाँ पर आपको विजुअल तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि क्या क्या हुआ आफ्टर मैसेकर, जलियांवाले बाग का मैसेकर के बाद कैसे उसके जनरल डायर पे मुकदमा चला, यहाँ पर सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये एक जलियांवाले बाग का मेन चिन्ह है या फिर सिंबल है जलियांवाले बाग का। जब भी हम सर्च करते हैं जलियांवाले बाग को, इसको भी काफ़ी अच्छा रिनोवेट किया गया है। यहाँ पर कमल के फूल से, इसको कमल के फूलों से यहाँ पर नीचे सजाया गया है। यहाँ पर कमल के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा दृश्य दर्शाते हैं इस सिंबल का। अमर ज्योति की तरफ जाते हुए हम अभी जा रहे हैं, जो कि शहीदों को समर्पित है ये अग्नि, और जितने भी लोग यहाँ पर शहीद हुए थे उनको समर्पित है। कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, देखिए शूज़ पहन के, काफ़ी पवित्र जगह है और इसको बेद भी करते हैं या फिर अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। ये है अमर ज्योति इंडियन ऑयल की तरफ से, जो कि 24/7
जलती रहती है शहीदों के लिए। और यहाँ से मैं एक और गैलरी में एंटर हो गया। यहाँ पर भी विजुअल तरीके से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में, उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, क्या क्या हुआ, लाला लाजपत राय के बारे में। काफ़ी यू नो बहुत अच्छा मेरे को ये विजुअल्स लगा। काफ़ी अच्छे पैसे लगा रखे हैं इस गैलरी में। अभी के लिए तो इसकी जो टिकट है वो फ्री है पूरे जलियांवाला बाग में एंटर होने के लिए। इन फ्यूचर वी डोंट नो, मे बी इट विल बी चार्जेबल और डोंट नो। तो ये काफ़ी अच्छे विजुअल्स, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे विजुअल्स देखे और बहुत अच्छा लगा ये विजुअल देख के कि कैसे शहीद उधम सिंह ने अपना जलियांवाला बाग का बदला लिया, या कैक्सटन हॉल में जाके जनरल ओडायर को गोलियों से छल्ली कर दिया और उसको मार दिया। तो ये था गाइस वीडियो मेरा जलियांवाला बाग पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ऐसी वीडियो जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं मैं डालता ही रहूँगा। अगर आपने मेरा ये वीडियो लाइक किया तो मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम इट्स आरजे टेकी।